सो राइट नाउ वी आर एट जो सबसे बड़ा फोर्ट है वहाँ है, और यहाँ हम अभी पहुंच हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग है जो कि सबसे बड़ा फोर्ट है, उसका नाम है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, और ये चित्तौड़गढ़ में लोकेट है। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी जो कि मेन फोर्ट है चित्तौड़गढ़ का फोर्ट। और अभी हम लोग इस हाईवे पे जा रहे हैं जो है चित्तौड़गढ़ हाईवे, जो कि उदयपुर से जाता है चित्तौड़गढ़ की तरफ। सो राइट नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड उदयपुर, सॉरी चित्तौड़गढ़ फोर्ट। उदयपुर से जा रहे हैं और ऑलमोस्ट 117 किलोमीटर हमें रीच करना है, ऑलमोस्ट इसको 3 घंटा लगेगा। और जो उदयपुर से चित्तौड़गढ़ का जो डिस्टेंस है वो अच्छा है। मंगलवाड करके कोई तो गांव है, वहाँ से मतलब सिटी से हमें लेफ्ट लेना है, और ऑलमोस्ट हम लोग उसी रास्ते पर है। राजस्थान के रोड्स अच्छे लग रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट बहुत हो चुके हैं ऐसा लगता है। और बोध करके कुछ नाम है गांव उसका, कन्नौज के बाजू में बोधपुर कुछ है, एक मिनट आपको दिखाता हूँ क्या नाम है, बोध सोडा करके नाम है उस गांव से हम लोग लेफ्ट लेने वाले हैं। और इतना ये कुंभा नगर प्रताप नगर जो कि है वहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं, और यहाँ से अभी थोड़ा सा ही दूरी पे जो चित्तौड़गढ़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट किला और जो जिला भी है वो अभी आ जाएगा। और फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं चित्तौड़गढ़ में। इसे यहाँ से लेफ्ट लेने के बाद हम लोग जाएंगे नीचे से जो कि चित्तौड़गढ़ की तरफ आगे से जाता है रोड पर। सामने हमें फाइनली वो किला दिख चुका है जो कि देख रहे हो आप, बड़ा सा फैला हुआ किला वो सामने, वो चित्तौड़गढ़ है। तो चलो सो राइट नाउ वी आर एट जो सबसे बड़ा फोर्ट है वहाँ है, और यहाँ हम अभी पहुँच चुके हैं। सो ट्रैवल गाइड को हायर किया है, और ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है। गाइड भी हायर किया है, उसको अभी पूछ के देखेंगे उसको क्या सीन है। ओके सो स्टे ट्यून गाइड्स। वो वाला गेट देखते हो फिर जोहर द्वार, जोहर द्वार हाँ वो वाला गेट से आके रानी पद्मावती ने इतना जोहर किया था। जोहर मतलब खुद को जला दिया, जिंदा आग में कूद गई जो म्यांमार में कहा जाता है जोहर। ओके ओके, बीच में आके कूद दिया मतलब हाँ। वो जिंदा आग लगा दी और आग में रानी पद्मावती कूद गए, और 16,000 दास उसके साथ और कूद गए। अरे अरे हाँ, वो यहाँ पे जितने भी राजा थे सूर्यवंशी राजा थे, तो उनको मुगलों की गुलामी करना पसंद नहीं था,
उनको सिर झुकाना पसंद से ना था, लेकिन सिर कटाना पसंद था उनको। सामने टेंपल देखते हो, हम भी मराठा है। अच्छा, सामने टेंपल देखते हो, 11वीं शताब्दी में राजा बौद्ध द्वारा बनाया गया था। कौन सा, ये वाला सामने वाला? इसमें, इसमें 9 फीट का एक ही स्टोन पर मूर्ति बना हुआ है ब्रह्मा विष्णु और महेश, पैदा करने वाला, पालन पोषण करने वाला और मारने वाला। वो कौन सा वो जो गेट है वो? जोहर द्वार। और ये टूटा हुआ? ये सिर्फ टेंपल है। ओके ओके, जो खंडित कर दिया गया है। ये देख सकते हैं ना फोटो? ये हाँ, ये देख सकते हैं ना। इसमें 9 फीट का एक स्टोन पर मूर्ति लगा है ब्रह्मा विष्णु महेश। इसमें आपको छोटा सा एक ब्लैक स्टोन दिख रहा होगा यहाँ पर। तो पहले के जमाने में जो नजर टिक्का लगाते थे, जो अभी भी बच्चों के लगाते अपन, हाँ हाँ, तो मंदिर इतना खूबसूरत था, तो वो छोटा सा ब्लैक स्टोन लगा हुआ है, वो नजर टिक्का एक तरह से। इधर देखना, कुर्सी में मूर्ति सभी खंडित है, किसके मुंह नहीं है, किसके हाथ नहीं है, किसके पैर नहीं है। 1303 वाला जो इंजीनियर ने अटैक किया ना, वो सभी को डैमेज कर दिया गया। ये नहाने का ये है क्या, कुंड है ना ये? तो नहाने का कुंड। ओके, और ये अपना टेंपल है पूरा, ऐसा ही सेम टेंपल है, मतलब ब्लैक में। अनेक टेंपल फोटो करना तो एक है। So, ये सामने वाला जो है ये उत्तरी जोहर द्वार है, और जहाँ से मतलब अभी आपने देखा, और ये वाला फोर्ट है, अगर ये वाला पीछे वाला टेंपल है जो कि कौन सा समुद्रेश्वर समुद्रेश्वर टेंपल है। तो और अपना भाई इधर फोटो निकालता हुआ। शुभ भाई क्या बोलते हो आप? क्या बोले अभी, क्या इतना सब कुछ 1700 किलोमीटर दूर आए हो, कैसा लग रहा है आप? इधर ब्लिंकर लगा दो क्या? टा टा टा, बहुत मजा आ रहा है। दिल्ली अभी दूर नहीं है। पत्ते का ऑर्नामेंट से जो आपकी पाचे पर पैलेस था क्या, मतलब घर? हाँ घर। ये सभी खंडित कर दिए गए राणा, ये है ना, ये भी खंडित कर दिए गए राणा कुंभ, इसको अभी रिपेयर कराया था। अभी इसका इस कहते को राणा कुंभ ने रिपेयर कराया था, लगता है हमको जो मेन रिंग हमारा चीज है ना, उसको रिपेयर कराया था।
चलो ना।